हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। दोस्तों, आज हमारे पास हेवल्स का 3 लीटर का गीजर है इलेक्ट्रिक, इसको हम रिपेयर करेंगे। और इसमें प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें पानी है जो गर्म नहीं हो रहा है। वैसे इसका इंडिकेटर ऑन है लेकिन इसके अंदर पानी गर्म नहीं हो रहा है, तो क्या कमी है, कैसे खोलेंगे, क्या करना है और कैसे ये सही होगा, पूरा बारीकी से पूरा डिटेल से बताऊंगा आपको। ये वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। इसको देखने के बाद आप भी अगर आपके गीजर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इजीली उसको सही कर पाएंगे। तो करना कुछ भी नहीं है, छोटा सा वीडियो है, पूरा देखें, ध्यान से देखें, काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ साथ में ऑल नोटिस बेल पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो तुरंत आप तक पहुँच पाए, आपसे कोई भी यूजफुल जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ये गीजर है और इंडिकेटर इसमें आ रहा है लेकिन पानी गर्म नहीं हो रहा है। तो इसका पूरा स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसको ऊपर से नीचे उतार लेंगे। नीचे उतारने के बाद इसमें पीछे ये पेच लगे हुए हैं, ये सारे पेच खोलने हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाले, और ये पेच खोलने के बाद इसका ऊपर का ढक्कन है जो अलग हो जाएगा इस तरीके से, और आगे वाले ढक्कन में इसका इंडिकेटर का कनेक्टर है वो इजीली आप निकाल लें इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, निकल जाएगा। इस ढक्कन को अलग रख देंगे। इसके बाद क्या करना है हमको, अगर आपको कनेक्शन नहीं आता है तो इसके आप फ़ोटो वगैरह खींच लें, आसानी से ये अलग हो जाएंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, इसके यहाँ पर एक पत्ती लगी हुई होती है जो इसकी टैंक को रोके रखती है, ये वाली, और एक पत्ती हैंग वाली है जो इसको दीवार पर हैंग करती है, ये भी आपको खोल लेनी है। यहाँ से ये खुल जाती है, यहाँ पर नीचे इसमें पेच होते हैं दो, इनको खोलने के बाद ये आसानी से इसका टैंक अलग हो जाएगा। अब यह देखें इस तरीके से ये टैंक अलग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके सारे कनेक्शन खोल लेंगे। उससे पहले चाहे तो आप कनेक्शन इसके समझ लें। एक जो इसका न्यूट्रल होता है डायरेक्ट हीटिंग रोड में आता है, और जो फेस होता है ऑटो कट में जाता है, ऑटो कट में से दूसरे ऑटो कट में, और फिर उसमें से घूम कर वापस हीटिंग रोड में, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। इंडिकेटर की हम बात करें तो इंडिकेटर के कनेक्शन इस तरीके से इसमें हो रखे हैं। आप यहाँ इसका फ़ोटो ले सकते हैं, जो कि ये 3 तार के इंडिकेटर हैं डबल कलर वाला। अगर अलग अलग इंडिकेटर है आपके पास दो, तो उसमें आपको क्या करना होगा कि एक इंडिकेटर तो आपको डायरेक्ट हीटिंग रोड पर लगा देना होगा, एक डायरेक्ट पावर में लगा देना होगा, और उसके बाद ये पेच खोल लेने। पेच खोलने के बाद ये आपकी यहाँ पर प्लेट है जो अलग हो जाएगी। अब इसको आप ऊपर खींचेंगे तो इजीली ये अलग हो जाएगी टैंक से। ये देखें इस तरीके से, यह पेच हमने यहाँ सारे खोल लिए हैं। यहाँ पर एक पेच कैसे लगाना है आपको, यहाँ इस तरीके से नीचे की तरफ आप जब पेच कैसे लगाएंगे, उठाएंगे तो इसको ये आसानी से खुल जाएगा। तो खोलने के बाद हमने यहाँ पर देखा, इसमें इसकी रोड ख़राब थी, ये देखें आप, यहाँ से फटी हुई थी जो कि ये वर्क नहीं कर रही है। तो इसको हम क्या है, यहाँ से निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाएगी इस तरीके से। यहाँ पेच कैसे लगाएंगे, रोड पेन ऊपर से इसका पेच खोल लेना है, और खोलने के बाद आपको ये वाला पेच खोल लेना है। ये पेच खुल जाएगा तो उसके बाद इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे। तो ये निकल चुकी है हमारी, और नई रोड हम लेके आए हैं। ये लगभग आपको 350 रुपये की मिल जाएगी, और इस तरीके से आपको ये लगानी है। और अगर आप ऑफलाइन परचेज करते हैं तो अलग रेट हो सकती है, और ऑनलाइन परचेज करते हैं तो 10-20-50 रुपए का फ़र्क हो सकता है। इस तरीके से हम इसको कस देंगे, इस बोल्ट को टाइट कस दें, लूज ना छोड़े। अगर लूज छोड़ा तो पानी इसमें से लीकेज होगा, और जैसे हमने खोला था उसी कंडीशन में निशान लगा लें आप चाहे तो, नहीं तो इसमें कट का निशान होता है, उसी तरीके से हमको ये फिट कर देना है। यहाँ पर आप कनेक्शन दोबारा समझ लें, ये न्यूट्रल है जो डायरेक्ट जा रहा है हीटिंग रोड पे एक पर पिन पर, और फेस है जो हमारा ऑटो कट में जा रहा है, ऑटो कट से दूसरे ऑटो कट में, ऊपर वहाँ से घूम के वापस रोड की दूसरी पिन में आ रहा है। इंडिकेटर के कनेक्शन मैंने आपको समझा दिया, दोबारा समझा देता हूँ। अगर ये वाला इंडिकेटर है तो इस तरीके से कनेक्शन होंगे, आप यहाँ देख सकते हैं 3 तार वाला। और अगर अलग अलग दो इंडिकेटर हैं तो आप क्या करें, सीधा एक रोड पर लगा दें एक इंडिकेटर को, और दूसरे इंडिकेटर को आप पावर के मेन तार पे लगा दें, तो उस तरीके से इसके कनेक्शन हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्ती आपको लगा देनी है, ये पत्ती भी लगा देनी है,
और जो एक हमारा रीसेट का ऑटो कट है उसको इस तरीके से लगाना है नीचे वाला, और इसका कनेक्टर लगा देना है, आसानी से ये लग जाएगा इस तरीके से जैसे हमने खोला था उसी तरीके से हम इसमें लगा देंगे। इस कवर को फिट करके ये देखें इंडिकेटर का ये कनेक्टर लग चुका है और हमने रोड इसमें चेंज कर दी है। इसके बाद हम क्या करेंगे इस तरीके से आप देखें, और इसके पीछे के पीछे हम कस देंगे, ढक्कन भी लग जाएगा। इसके बाद हम इसको दीवार पे हैंग कर देंगे इस तरीके से, इसके जो पाइप है ये कस देंगे, पानी खोलेंगे, जब पानी फुल भर जाएगा इसमें से और इसमें से नीचे आने लग जाएगा, पानी आने लग जाए जब हमको ये गीजर ऑन करना है। तो आप यहाँ देखें अभी इसमें एयर आ रही है, जब तक पूरा पानी टपकने लग जाए तब हम इसको ऑन करेंगे। तो आप यहाँ देखें ये भर चुका है, हम इसको ऑन करेंगे, ऑन हो गया है। थोड़ी देर ऑन करके रखेंगे, थोड़ी देर में ये कट ऑफ हो जाएगा, कट ऑफ ज़रूर चेक करें। ये देखें ये कट ऑफ हो चुका है, पानी भी हमारा गर्म हो चुका है। तो इस तरीके से हम अपने गीजर को सही कर सकते हैं, चाहे इसमें रोड चेंज करें या फिर इसके कनेक्शन बदलें, इस तरीके से आप गीजर को रिपेयर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आपने देखा मैंने आपको इस हैवेल्स के गीजर को रिपेयर करके बताया। इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देंगे। इसी तरह की अच्छी अच्छी नॉलेज वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।